मान लीजिए ये बैंक है और ये है अनुराग। अनुराग को बहुत ज्यादा जरूरत है कुछ पैसों की, तो ये बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है कि मुझे लोन दे दो। बैंक कहता है कि मैं आपको लोन दूंगा लेकिन उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अनुराग कहता है ठीक है मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा बट मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो बैंक कहते हैं कि आपको कितने का लोन चाहिए? तो अनुराग कहते हैं कि मुझे 25 लाख रुपए का लोन चाहिए। बैंक कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा अमाउंट का लोन ले रहे हैं हमारे से, और अगर आपको इतना ज्यादा अमाउंट का लोन लेना है, कल को अगर आपने हमारे को ये लोन की अमाउंट ना वापस करी तो हम कहाँ से उसकी भरपाई करेंगे, हमें तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमें कुछ ना कुछ एज सिक्योरिटी देना पड़ेगा ताकि अगर आप कल को ये 25 लाख हमें ना चुका पाओ तो हम उस सिक्योरिटी को बेच करके अपना लॉस जो है उसे रिकवर कर पाए। तो अनुराग के पास कुछ गोल्ड पड़ा होता है, तो अनुराग उस गोल्ड को बैंक के पास डिपॉजिट कर देता है एज सिक्योरिटी। तो ये जो आपने अभी एग्जांपल देखी ये क्या थी? ये थी प्लेज। एक सिंपल से शब्दों में कहें तो ये क्या है? गिरवी रखना। हेलो एवरीवन, आई एम शीनम कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारी पूरी कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट साथ साथ अपलोड हो रही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ या आई बटन पे मिल जाएगा। तो उसमें जाकर प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम तो आपको दिखाई दे रहा है, इसका डायरेक्ट लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां भी जाकर आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और आप मुझसे अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को ही आगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई होप आपको ये प्लेज की एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गई। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर्म भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर्म, ठीक है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 172 से लेके 181 तक प्लेज के बारे में बात की गई है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतने ही सेक्शंस हैं इसमें, 8-9 सेक्शंस हैं, तो इसे जल्दी से देखते हैं क्या कहते हैं ये सेक्शंस। तो सेक्शन 172 जो है वो इसके मीनिंग के बारे में बताता है। मीनिंग क्या है आप इसे बोर्ड पे अच्छे से देख ही रही हैं, तो आपको एक यहाँ पे मीनिंग समझाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है वो एक टाइप का बेलमेंट ही है। बेलमेंट में हम क्या करते हैं, एक पर्सन अपने गुड्स दूसरे पर्सन को देता है, लेकिन प्लेज में भी तो यही हो रहा है कि अपने गुड्स एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है। लेकिन फर्क क्या है कि प्लेज में एक पर्पस होता है कि गुड्स क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे पर्सन को सिक्योरिटी चाहिए होती है अपने लोन के लिए, ठीक है। इसलिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है वो बेलमेंट से थोड़ा सा डिफर करता है, लेकिन एक टाइप ऑफ बेलमेंट ही हम इसे कह सकते हैं। आई होप अब आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया। तो इसे हम टाइप ऑफ बेलमेंट कह सकते हैं। साथ ही सेक्शन 172 हमें ये भी बताता है कि इस केस में जो पर्सन बेलर होता है, यानी कि जो पर्सन अपने गुड्स देता है उसे हम बोलते हैं प्लेजर या फिर पॉन्डर, ओके। और जो पर्सन गुड्स को रिसीव करता है उस पर्सन को हम पाउनी या फिर प्लेजी बोलते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। तो इस एग्जाम्पल में आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर पाउनर कौन है और पाउनी कौन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा आंसर देना है, एक एग्जाम्पल है और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। अखिल है, अखिल को पैसों की जरूरत थी, अखिल ने वंश से 5 लाख रुपए लिए और इसके बदले में अखिल ने अपनी कार जो है वो प्लेज करके वंश के पास रख दी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि प्लेजर कौन है और प्लेजी कौन है। अगर आपको अब तक का समझ आया है तो आप डेफिनेटली बता पाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है कि प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो रहा है इसमें जो बेलमेंट होती है हमारी गुड्स की वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए होनी चाहिए और किसी भी पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर सिर्फ मूवेबल गुड्स की बेलमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में सिर्फ मूवेबल गुड्स की बेलमेंट होती है। अगर इमूवेबल गुड्स की बेलमेंट हो तो उसे हम मॉर्टगेज कहते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है।
प्लेज में सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स होते हैं, मूवेबल गुड्स यानी कि जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी की अगर हम बेलमेंट करें तो वो मोर्टगेज आ जाएगा, ठीक है, वो प्लेज नहीं होगा। थर्ड है कि जो ओनर होता है, जो अपने गुड्स किसी को दे रहा है, उसके पास उन गुड्स की ओनरशिप भी होनी चाहिए। फोर्थ है जो गुड्स की डिलीवरी भी होनी चाहिए आगे दूसरे पर्सन को। एंड फिफ्थ है कि यहां पर अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स देता है तो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी पोजेशन की ट्रांसफर करता है, लेकिन वो अपनी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा है। मालिक अभी भी वही है जिस पर्सन के एक्चुअल में गुड्स हैं, ठीक है। अगर किसी को मैंने गुड्स प्लेज के लिए दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन अब उसका ओनर हो गया, ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्लेजर एंड प्लेजी। इसे हम समझेंगे एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि गौरव ने 20 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया और अपनी कार को सिक्योरिटी में रख लिया, ठीक है। अब 20 लाख रुपए का लोन तो उसको अकेला वापस नहीं करना है, उसे उसके साथ अपना इंटरेस्ट भी वापस करना है, और इसने अपनी कार को सिक्योरिटी के लिए रखा है बैंक के पास एज सिक्योरिटी। तो बैंक जो है वो इस कार को मेंटेन करके रखेगा, मेंटेन करने के उसके कुछ एक्सपेंसेस भी आएंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस भी गौरव को वापस करनी है। तो सेक्शन 173 कहता है कि ये जो सारे के सारे एक्सपेंसेस जब तक कि ये गौरव यानी कि प्लेजर वापस नहीं कर देता, तब तक बैंक इस कार को लीन कर सकता है। लीन कर लेने का मतलब रिटेन कर लेना, अपने पास ही रख लेना। तब तक वो उसे वापस नहीं करेगा जब तक कि गौरव अपने ये सारे के सारे एक्सपेंसेस वापस नहीं करता है। अब नेक्स्ट जो है वो बात करता है सब्सिक्वेंट एडवांसेस के लिए बैंक का राइट टू रिटेन। सब्सिक्वेंट एडवांसेस मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए कि गौरव ने 20 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से और उसने कार को सिक्योरिटी के लिए रख दिया, और उसके बाद उसने 10 लाख रुपए का एक और लोन ले लिया, लेकिन इस बार उसने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी। अब उसने ये जो 20 लाख वाला लोन था वो पे कर दिया, लेकिन 10 लाख रुपए वाला लोन अभी पे नहीं करा। तो क्या बैंक इस 10 लाख वाले लोन के लिए कार को अपने पास रिटेन करके रख सकता है या नहीं रख सकता? सेक्शन 174 कहता है कि इस केस में बैंक जो है यानी जो प्लेजी है वो रख सकता है कार को अपने पास रिटेन करके। लेकिन अगर गौरव ने पहले ही बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो, मैं सिर्फ एक ही लोन के लिए अपनी इस कार को आपके पास सिक्योरिटी के लिए दे रहा हूं, तो उस केस में बैंक जो है वो दूसरे एडवांस के लिए कार को अपने पास रिटेन करके नहीं रख सकता। ये ही कहता है सेक्शन 174। अब सेक्शन 175 कहता है कि अगर बैंक ने जो भी अपने पास सिक्योरिटी रखी है, प्लेजी ने जो भी अपने पास सिक्योरिटी रखी है, उस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कोई भी किसी भी तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस भी वो प्लेजर से क्लेम कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको राइट्स ऑफ प्लेजी जो है वो क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। अब देखिए, पॉनर ने एक चीज को सिक्योरिटी रख के लोन तो ले लिया, लेकिन जिस दिन उसे लोन की अमाउंट रीपे करनी थी उस दिन वो रीपे नहीं करता, यानी जब वो डिफॉल्ट कर देता है, तो उस टाइम पर पौनी के पास क्या हल है, उसके पास कौन सी रिमेडीज होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 176 को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो उस टाइम में सेक्शन 176 कहता है कि जो पौनी है वो पाउनर की गुड्स को उस टाइम पर रिटेन करके रख सकता है, या फिर वो प्लेजर को स्यू भी कर सकता है कोर्ट के में, ठीक है, या फिर वो उसकी गुड्स को सेल भी कर सकता है। लेकिन सेल करने से पहले उसे एक पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा प्लेजर को कि मैं तुम्हारी गुड्स को सेल कर दूंगा अगर तुमने अब भी 10 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर या कितने भी टाइम पीरियड के अंदर मुझे ये पैसे वापस ना किए तो, ठीक है। तो वो एक प्रायर नोटिस उसे देना पड़ेगा और उसके बाद वो सेल कर सकता है। ये होती है उसके पास रिमेडीज। तो आगे सेक्शन 176 क्या कहता है उसे हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि गौरव है, गौरव ने 10 लाख रुपए का प्लेजी से लोन लिया और उसने अपनी कार को सिक्योरिटी के लिए रख दिया, और जिस दिन उसे 10 लाख रुपए वापस करने थे उस दिन वो नहीं दे पाया, इसलिए प्लेजी ने डिसाइड कर लिया प्रायर नोटिस देने के बाद कि वो इस कार को सेल करेगा। अब जब वो सेल करेगा तो उसके पास दो ही केसेस आ सकते हैं, या तो उसे कार की सेल करने के बाद 10 लाख से कम रुपए मिले, मान लीजिए कि 8 लाख रुपए मिले,
या फिर उसे 10 लाख से ज्यादा रुपए मिले, मान लीजिए कि 12 लाख रुपए मिले, ठीक है, तो उन दो केसेस में वो क्या करेगा? उन दो केसेस में अगर प्लेजी के पास 8 लाख रुपए मिले तो बाकी के जो 2 लाख रुपए रह गए ना, अब वो सिर्फ 2 लाख रुपए ही गौरव से वापस लेगा, बाकी के 8 लाख नहीं लेगा, ठीक है। और दूसरा केस में अगर उसके पास 12 लाख रुपए कार को सेल करके मिलते हैं तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा उसके पास सरप्लस रह गया वो उसे रिटर्न करने पड़ेंगे गौरव को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। तो मतलब सेक्शन 176 इतना कहने के बाद आगे क्या कहता है कि जो सिक्योरिटी है उसे सेल करने के बाद अगर डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है मतलब कि 8 लाख रुपए वाला केस, ठीक है, तो अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट ही रिकवर करेगा प्लेजर से, ठीक है, रिमेनिंग, और अगर सरप्लस बचता है तो उसे रिटर्न करना पड़ेगा प्लेजर को जो भी अमाउंट होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सेक्शन 177 क्या कहता है? सेक्शन 177 कहता है कि मान लीजिए जैसे गौरव ने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है प्लेजी से और अपनी कार को सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, और जिस दिन उसे ये 10 लाख रुपए वापस करने थे उस दिन वो नहीं कर पाया वापस, तो इसलिए प्लेजी ने क्या किया, प्लेजी ने गौरव को एक प्रायर नोटिस दे दिया कि अगर तुम 15 दिन के अंदर अंदर इन 10 लाख रुपए को मुझे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी कार को सेल कर दूंगा। तो उस केस में क्या होता है कि गौरव अगर 15 दिन के अंदर अंदर उसे पैसे रिटर्न कर दे तो वो अपनी कार को वापस ले सकता है, ठीक है, यही तो हमें कहते हैं सेक्शन 177। आई होप क्लियर हो गया। अपने आगे ना एक बेयर एक्ट जरूर रखिए, जब आप अपने आगे एक बेयर एक्ट रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप वहां यहां से समझते जाइए और उसके बाद सेक्शंस को वहां से रीड आउट करते जाइए, आपको पूरा अच्छे से लेक्चर समझ आएगा। ऐसे ही लेक्चर देख के चले जाएंगे तो फिर भी आपके थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी प्रिपरेशन में। तो आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास ड्यूटी ऑफ फाउंडिंग। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो अपना पिछला लेक्चर किया है ना, तो उसमें हमने वहां पे ड्यूटीज ऑफ बेली किया था, ड्यूटीज ऑफ बेली जो भी है वही है ड्यूटीज ऑफ फाउंडिंग, ठीक है। तो आप उस लेक्चर को जाकर डिटेल में देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ या आई बटन पे दिख रहा होगा, वहां पे आप देखिएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का पार्ट 2 होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट्स ऑफ फाउंडर का टॉपिक कि फाउंडर के उस टाइम पे कौन कौन से राइट्स होते हैं। तो जो पौनी है उसके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो उन गुड्स को जो उसने प्लेज करके रखी है पाउनर ने उनका अनऑथोराइज्ड यूज करे। अगर पौनी ऐसा अनऑथोराइज्ड यूज करता है उन गुड्स का या फिर उन गुड्स का ध्यान नहीं रखता है, ऐसा कुछ भी केस आता है, तो उस टाइम पर पाउनर का ये राइट है कि वो उसके ऊपर कोर्ट में जाकर केस भी कर सकता है और अपनी डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ पाउनर। पाउनर की कौन कौन सी ड्यूटी होती है कि वो लोन को रीपे करे, इंटरेस्ट को रीपे करे और जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर पाउनी ने भरे हैं तो उन एक्सपेंसेस की भी भरपाई करे। आई होप आपको आज का जो ये प्लेज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया। नहीं समझ आया कुछ भी तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज डू कॉमेंट बिलो एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर लीगल अपडेट्स मैं वहां पर डालती रहती हूँ और मेरे साथ वहां पे आप कनेक्टेड भी रह सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले जस्ट लेट्स एंड ऑफ द सेशन। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।